नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथी प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अचल जी, जिनका एक साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, जिन्हें चेन्नई मिला है। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। इस इंटरव्यू को कराने के पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सके और एक डायरेक्शन मिल सके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें, ये आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो अचल जी, पहले तो अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसा कि नाम मेरा अचल सिंह है जी, और 2017 एसएससी सीजीएल से मैं सिलेक्टेड हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर जी 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 एंड चेन्नई जोन अलॉट हुआ है मेरे को 2017 में। हाँ 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 जी 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 तो और अभी 2018 भी दे रखा है, तो उसके भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। उसमें भी आपके अच्छे खासे मार्क्स होंगे। हाँ, उसमें भी मार्क्स है अच्छा मेरा। अच्छा, तो उसका भी वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का। बाकी इसमें ज्वाइनिंग वाइनिंग का प्रोसेस अभी चल ही रहा है। ओके ओके ओके। अच्छा सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने ये जो सक्सेस पाई, ये जर्नी आपकी कैसी रही, किस तरीके से स्टार्ट हुई, और ये जो सक्सेस मिली आपको, इसकी बीच की जो जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए हमारे साथ, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिल सके। देखिए, 12th के बाद मैंने 12th का डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव फील्ड में मैं आ गया था। ठीक है, जी जी जी। स्टार्टिंग मैंने एनडीए यूपीएससी के एग्जाम से करी थी। ओके, और ओके। उसमें एनडीए में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, जीएस होता है, तो मैंने एनडीए का प्रिपरेशन करीब एक से डेढ़ साल मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करी। तो जो जब मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, देन आफ्टर मैं सीजीएल पे मूव किया। और मेरा प्राइम रीजन ये था इस एग्जाम को सिलेक्ट करने का, जब मैंने इसका सिलेबस देखा इस एग्जाम का, तो उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीएस कुछ कॉमन सब्जेक्ट मुझे मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये एग्जाम जो है, जो कि मेरे इस जो जिसमें मैंने अभी 1-1.5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी स्ट्रीम से मिलता जुलता है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस एग्जाम। और कहीं ना कहीं आपको एनडीए की प्रिपरेशन ने बहुत ज्यादा हेल्प की होगी। तो उसमें क्या, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश मेरा पहले से ही काफी प्रिपेयर था। मैंने एसएससी के लिए कोई पर्टिकुलर इंग्लिश नहीं पढ़ा है, मतलब एसएससी एग्जाम के लिए मैंने एनडीए में तो इतना इंग्लिश आपको पढ़ना ही होता है कि उसमें एसएससी का लेवल वो छू लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एसएससी का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था 2016 में स्टार्ट किया था, नवम्बर, इन द मंथ ऑफ नवम्बर। ओके, और 2 महीने की प्रिपरेशन में ही मैंने सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक कर लिया था, सीएचएसएल 2016 वाला एग्जाम, आफ्टर 2 मंथ। तो अब यहाँ पे जो प्रिपरेशन का ये है कि जैसे कि मान लो कोई फ्रेशर है, वो तैयारी करना चाहता है, सो पहले तो उसको पहले अभी तो उस जो भी कैंडिडेट है बेसिक उसको पहले उसको, ये बेसिक पहले उसको पढ़ना जरूरी है, और उसके बाद हाँ बेसिक तो है, बेसिक ऑफ मतलब उसको क्या करना है, देखो उसको ये करना है, अगर वो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री या पीसीएम से है या किसी भी साइड से, किसी भी स्ट्रीम से, तो बेसिकली उसको अपनी जो अभी तक की एजुकेशन है, जो अभी 12th तक जो भी एजुकेशन उसने गेन किया है, उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बिल्कुल कहते हैं ना, ये एक डिफरेंट ही चीज है, इसको मतलब अलग से करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमें अपनी जो बेसिक जो चीजें हैं, जो बेसिक हमने अभी तक सीखा है, उनका सपोर्ट लेना है, उनके सपोर्ट लेकर ही हमको इसमें जो है चीजों को अपने नॉलेज में ऐड करते जाना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब फिर वो एग्जाम में फर्क दिखेगा। अच्छा अचल जी, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज के समय में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा हवा बन गया एसएससी, सीजीएल, चाहे सीएचएसएल एग्जाम हो गया है, तो ज्यादातर बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, क्या वजह है, रहती है इसके पीछे? मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा ही है कि सीजीएल एग्जाम में जो कट ऑफ है ना, वो एग्जाम टू एग्जाम हाई होती चली जा रही है। जैसे मुझे अच्छे से याद है 2016 का सीजीएल था, उसका कट ऑफ था 143 आई थिंक प्री का। ठीक है, 2017 का कट ऑफ थोड़ा गिरा था क्योंकि एग्जाम थोड़ा टफ आया था। 18 का कट ऑफ फिर से इंक्रीज हो गया, 137 लग गया 18 का कट ऑफ, और अभी 19 का कट ऑफ आया रिसेंटली, अभी रिजल्ट आया तो 149 है आई थिंक, 149 नंबर। तो यहाँ पर देखने का मतलब ये है कि आप देखिए कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है, पहली चीज तो ये, उसमें कैंडिडेट गलती क्या करता है, जैसे मान लो हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि तैयारी को एक लिमिट तक करते हैं, मतलब हमने ये डिसाइड किया चलो ठीक है सीजीएल की हमको तैयारी करनी है, और हम उस तैयारी में
वो एक्सट्रीम लिमिट को पुश नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा स्कोर एक एक लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए और हम जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच अपना आपके जगह बना कहने का पाए। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो उन्हीं चीजों को रिवाइज करता है जो उसे ऑलरेडी आती हाँ है, बस 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 बस, वो क्या ओवर होता है उन्हीं थिंकिंग, चीजों ओवर में, थिंकिंग, हाँ उसी चीजों में पड़ा रहता है वो, अपने वो लिमिट्स को, नई चीजों को नहीं सीखता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है। हाँ हम अपने आप को मतलब चेंज, अगर आप अपने को हाँ जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं 17 में भी सिलेक्टेड हूँ, 18 में भी सिलेक्टेड हूँ, मेरा 19 में भी 188 मार्क्स प्री ओके में। ओके ओके तो अब मेरा एग्जाम टू एग्जाम सिलेक्शन कैसे हो रहा है, इसका एक ही मात्र रीजन, और ऐसा भी नहीं क्वेश्चन का ट्रेंड भी बदला 17 से लेकर, अगर आप 19 के क्वेश्चन बिल्कुल, देखें तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट बदला, क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो क्योंकि मैं क्या है, मेरे अंदर ही वो एक क्यूरियोसिटी है कि मैं नई नई चीजों को सीखने की, मेरे अंदर वो चीज है कि मैं सीखता रहता हूँ, नई नई चीजें मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा आप सर, अपने अचल जी ये बताइए कि क्या कोई बुक्स वगैरह सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को, जिन बुक से आपने प्रिपरेशन की हो, और कुछ अपनी तैयारी के टिप्स बताइए। हाँ देखो, जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम आप किसी भी सब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश कोड लेते हैं, ठीक है, ओके ओके इंग्लिश में आप, वैसे तो एक बहुत अच्छी बुक है एसपी बख्शी की है, हाँ आर्यन पब्लिकेशन में हाँ आती है, एसपी जर्नल बख्शी, ऑब्जेक्टिव अच्छी इंग्लिश। एसपी बख्शी, हाँ बहुत अच्छी बुक आती है। तो अब जैसे कि उस बुक को अगर कोई बंदा, कोई कैंडिडेट उस बुक को कंप्लीट करता है, उस बुक को अच्छे से पढ़ाई करता है, उसकी अच्छे से पढ़ता है, उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, टाइम टू ओके टाइम प्रीवियस। हाँ अब देखो आज के टाइम में आपको बताऊं, जो फैक्ट है, जरूरी नहीं कि आपकी सारी पढ़ाई किताबों से हो रही है, ओके पहली ओके चीज तो ओके ये, ओके ठीक है। हाँ बहुत सारे फोन में एप्लीकेशन, आप 24/7 अपने आप को उस चीज में उलझा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उससे कुछ ना कुछ आप सीख भी सकते हैं, बहुत कुछ। हाँ जैसे मैं अपना बताऊं, मैं अड्डा 247 एक ऐप आता है, ठीक है, जी 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 मैं अपने खाली समय में, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कहीं वॉक कर रहा हूँ, कहीं टहल रहा हूँ, मैं 24/7 उसमें मतलब अपना क्विज वगैरह खेला करता था, ठीक। तो उसमें जो चीजें होती थी वो मेरे, जो जो लोग बोलते ना रिविजन करते रहते, हम तो रिविजन करते रहते। तो आप जो घर में जो क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप रिविजन मत करें, उसमें आप नया सीखें। रिविजन तो आपका एक खाली समय चलते और फिरते भी हो नया सकता है। आप इधर उधर से सीख सकते हैं। हाँ वही अच्छा चीज है अचल जी, कि ये बताइए कि आज के सिनेरियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जैसे कि पुराने समय में एसएससी का जो एग्जाम होता था, अभी 2015 की बात करें, 2014 की बात करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं 80% एग्जाम को कवर करते थे, 70-80%। लेकिन आज के सिनेरियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज लाइक अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, ठीक। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो, और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आसानी से, तो पहली चीज तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में बढ़ जाता है, ओके ठीक। ओके दूसरा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, ओके ठीक। ओके हाँ तो अगर आप किसी भी एग्जाम जा रहे हो उसको क्रैक करने की आप इच्छा रखते हो, तो जाहिर सी बात है सिलेबस के किसी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके ऐसा ओके नहीं कि ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के टाइम में हर सब कुछ नहीं है, बट वो ओके सब कुछ नहीं लेकिन वो बहुत कुछ है, ठीक हाँ ओके ओके अभी है। अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं, हाँ रिपीटेड होते बिल्कुल, हैं, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, डिजिट कॉन्सेप्ट तो रिपीटेड होता है, पहले जो कॉन्सेप्ट रिपीटेड होता है, ओके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वो बेस है जिसपे आप अपनी जो तैयारी है उसको आप एक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, उससे उससे लेकर। तो ओके प्रीवियस ओके क्वेश्चन मैंने तो कई बार रिपीट किया था, एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश की है, हाँ, किरण वो पब्लिकेशन तो मैथ्स की है। एमबी पब्लिकेशन आपको तैयार करनी हाँ पड़ेगी। तो मैंने कई काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं पढ़ता था ना, वो खाली, मैंने अभी बताया खाली टाइम में, जैसे मान ओके लो ओके मेरे मेरा मैंने 2 घंटे डिसाइड कर लिया दिन का, तो वो खाली टाइम में मैं उस चीज को कर लेता था। बट ओके ये है कि ओके आपको अब नया भी सीखना पड़ेगा मतलब, और ओके दूसरी सीखने की इच्छा रखनी पड़ेगी। ये नहीं होता, कुछ लोग मैंने देखा है, मान लो डिसाइड करता है मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, ठीक। तो क्यों आप 6 घंटे पढ़ोगे भाई, अगर आपके पास 12 घंटे समय है या 13 घंटे समय, तो आप उसको उस लेवल तक ले जाओ ना। अब जैसे मैंने 17 में, मैं आपको बताऊं, 17 में मैंने मैंने कोई टाइम टेबल बनाई नहीं, 17 के एग्जाम में जितना मेरे पास टाइम था मैंने वो टाइम अपनी पढ़ाई को दिया, ओके 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 तो उसका रिजल्ट मैंने टाइम कोई का ये, कोई मेन फैक्टर नहीं रहता, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आप जिस टाइम में फिट बैठते हो उस टाइम को आप प्रेफर करो। बस सबसे चीजें देखो, सिलेक्शन का एक ही और एक ही रूल है, वो रूल जी ये है कि आप पढ़ाई करते रहो, और आप उस लेवल तक पढ़ाई करते हो जहां तक आपकी एक एक्सट्रीम लिमिट है, ओके आप ओके उस लेवल, ओके आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मैंने 17 में एक एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ाई करी, उसका रिजल्ट मेरे को ये मिला, 17 में तो मैं सिलेक्टेड हूँ, ओके ओके 18 में मैं बिना किसी कुछ एफर्ट डाले मैं सिलेक्ट होता क्योंकि जा रहा आप हूँ। वहां तक पहुंच चुके थे, जो तैयारी हाँ का एक लेवल बस चाहिए था उस लेवल को आपने पा लिया बस, था। कई बार जो और कहीं ना कैंपों, कहीं हर एग्जाम का एक लेवल होता है, अगर आपकी तैयारी बस एक लेवल तक पहुंच जाती है तो आपको हाँ फिर हर एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अचल जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सक्सेस के पहले और सक्सेस के बाद
लोग और समाज का क्या रवैया था आपके प्रति, उसको आप कैसे सोचते हैं? देखिए ये तो खैर सोसाइटी, ये देखिए मेरे हिसाब से ना सिलेक्शन के पहले ना सिलेक्शन के बाद आपको ये चीज मैटर करनी चाहिए। लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है, ओके बट आपको इन सब चीजों के लिए न्यूट्रल रहना पड़ेगा। बिकॉज कि केवल देखिए सीजल निकालना इज नॉट द एम। ठीक, सीजल आपने निकाल लिया, उसके बाद अभी आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे, सोसाइटी उसमें भी आपको आपके लिए ओपिनियन क्रिएट करेगी, हाँ, ठीक है, तो कहीं ना निगेटिव कहीं पॉजिटिव, सोसाइटी के बारे में हमें नहीं सोचना है। हाँ उसके लिए आप न्यूट्रल रहिए, वो आपके हर पार्ट में आपको दिखेगा वो हाँ, चीज, वो आपको चीज अपने बहुत, ऊपर फोकस करना है। बस 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 ये चीजें ओके इतना, क्योंकि अगर इसकी टेंशन लेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को आप हैंडल कर पाना। चलिए अचल जी, आप हमारे इस चैनल पे आए, आपने बहुत सा मोटिवेशन दिया, उम्मीद है कि थैंक यू बच्चों को थैंक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू थैंक, ओके ओके।